welcome dear friends in this video we will discuss idioms of css english paper of the year 1997 so let's start to beat the air or beat the wind it means to engage in fruitless or ineffective activity to make efforts that produce no result or impact example sentences she spent hours trying to repair the old computer बट इट वॉज लाइक बीटिंग द एयर इट नवर वर्कड अगेन टू बेगर डिस्क्रेप्शन इट मीन्स समथिंग इज़ सो एक्सट्राडिनरी आर एक्सेप्शनल दैट इट कैन नाट बी एडिकुएटली डिस्क्राइबड आर एक्सप्लेंड यानी कोई चीज़ जो कि इतनी गैरमूली हो कि उसे मुनासिब तौर पर बयान या वाजह नहीं की जा सकती एक्जाम्पल सेंटेंस द ब्यूटी ऑफ द सन राइज ओवर द माउंटें वर सो ब्रेड टैकिंग दैट इट बेगर्ड डिस्क्रेप्शन

यानी किसी चीज़ की सच्चाई सदाकत या दुरुस्तगी पेशा करना इसको चैलेंज करना या तनाज़ा बनाना एग्जाम्पल सेंटेंस द लायर डिसाइडेड टू कॉल इन क्वेश्चन द वेटनेस क्रेडिबिलिटी बाई प्रजेंटिंग कंट्राडिक्ट्री एविडेंस टू कैप इट ऑल इट मीन्स टू कंक्लूड और फिनिश समथिंग ऑफन इन अ वे दैट एम्पासाइज एट सिग्निफिकेंस आर एड्स अ फाइनल नोट वर्थी पॉइंट यानी किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए अक्सर इस तरीके से जो इसकी अहमियत पर जोर देता हो या कोई हतमी काबिल जिक्र नुकतः शामिल करता हो एग्जाम्पल सेंटेंसिस आफ्टर वीक्स ऑफ प्लानिंग द टीम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द प्रोजेक्ट एंड टू कैप इट आल दे एक्सीडिड द क्लाइंट्स टू क्लिप विंग्स इट मीन्स टू रिस्ट्रिक्ट रेस्टेक्ट फ्रीडम और इंडिपेंडेंस टू लिमिट दियर एक्शंस यानी किसी की आजादी को महदूद करना या उसके अमाल को महदूद करना एग्जाम्पल टू क्रॉस द र्यूबिकान इट मीनस टू टेक एन इिवोकेबल स्टेप ऑफन विद सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसिस वियर दियर इज नो टर्निंग बैक यानी एक अटल कदम उठाना जिसके अक्सर अहम नतज होते हैं और जहाँ से पीछे हटना नहीं होता एग्जाम्पल सेंटेंसेस आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन ही हैड इफेक्टिवली क्रॉस्ड द र्यूबिकान इन हिज रिलेशनशिप विद द कंपनी एंड देयर वॉज नो वे टू अंडू द डिसीजन टू फील द पल्स इट मीन्स टू असेस आर गेज द करंट सिचुएशन कर द जनरल फीलिंग और ओपिनियन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी मौजूदा सूरत हाल या लोगों के ग्रुप के अमूमी एहसास या राय का अंदाजा लगाना एग्जाम्पल सेंटेंसेस आफ्टर द कंट्रोवर्शियल डिसीजन द पॉलिटिशियन डिसाइडेड टू फील द पल्स ऑफ द पब्लिक बाय कंडक्टिंग अ सीरीज ऑफ टाउन हॉल मीटिंग्स टू फ्लाई इन द फेस ऑफ इट मीन्स टू एक्ट इन डायरेक्ट अपोजिशन टू आर ओपनली डिफाई सम वन आर सम यानी किसी चीज़ की बराह रास्त मुखालफत करना या इसकी मुखालफत करना एग्जाम्पल सेंटेंसिस

The company managed to rise like a phoenix from its ashes becoming a market leader once again. Thank you for watching this video. Stay blessed.